जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली राजस्थान पुलिस पर है। राजस्थान पुलिस की नई वैकेंसी के सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की नई वैकेंसी कब तक आने वाली है। यहाँ पर मैंने लिखी है पोस्ट 9000। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिनमें ये पोस्ट कहीं 7000 लिखी हुई नजर आएगी, कहीं 9000 और कहीं 8000। ऐसा इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अलग अलग जो नोटिस के बारे में जो भी जान रहा है उसके हिसाब से वो पोस्ट बता रहे हैं। हो सकते हैं कि ये 9000 पदों पर वैकेंसी हो इस बार। बड़ी वैकेंसी हो, सरकार का अंतिम समय पूरा होने से पहले पहले इस वैकेंसी की घोषणा हो जाए, इसके पूरे पूरे चांसेज हैं। वो क्यों है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। कार्यालय महानिदेशक राजस्थान पुलिस की तरफ से एक नोटिस वायरल हो रहा है जो आपने देखा होगा, जिसमें लिखा हुआ कि दिनांक 1/6/2023 के आधार पर कांस्टेबल के रिक्त पदों की सूचना भिजवाने से संबंध में, यानी ये सभी जो जिला पुलिस के कार्यालय उनमें भेजा गया नोटिस है। इसमें यह पूछा गया कि आपका जो जिला है उसमें कितने कांस्टेबल के रिक्त पद है, जितने भी आपके जो रिक्त पद है। यहां पर लिखा कि दिनांक 1/6/2023 के आधार पर मानकर कांस्टेबल, जीडी, बैंड, चालक, घुड़सवार, स्वांदल के रिक्त पदों की सूचना संलग्न निर्धारित पत्र 03 दिवस में डी फॉलो पार्टल के आवश्यक रूप से भिजवाया जाए, यानी 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी की सारी जानकारी भिजवाया जाए। एक नोटिस और वायरल हो रहा है जो आपने न्यूज में देखा होगा कि 1 जून 2023 के आधार पर कांस्टेबल के रिक्त पदों से मांगी सूचना, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जयपुर जोधपुर समस्त SP और GRP अजमेर जोधपुर को लिखा पत्र, कांस्टेबल सामान्य, बैंड, चालक, घुड़सवार, स्वान दल के रिक्त पदों की मांगी सूचना 3 दिवस में डी फॉलो पोर्टल पर भिजवाने के लिए सुनिश्चित किया गया। ADG सचिन मित्तल भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने जारी किए आदेश। कहने का मतलब जैसे ये सूचना 3 दिन के अंदर अंदर जानी थी, तो यानी 1 जून को ये मांगी गई थी, तो ये मान के चलिए कि 3 जून तक ये सारी की सारी जानकारी मान निदेशालय के पास में पहुंच चुकी है। अब जब रिक्त पदों की पता चल जाता है कि इस जिले में इतनी पोस्टें चाहिए, मैं आपको बता दूं कई बार ऐसा होता है कि जैसे रिक्त पद मान के चलिए कि 20,000 है, क्योंकि इस बार तो काफी जिले भी बन गए हैं नए, तो रिक्त पदों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी पदों पर एक साथ ही पदोन्नति दी जाती है, एक साथ ही भर्ती निकाली जाती है, ऐसा नहीं होता। सभी पदों पर एक साथ नहीं निकाली जाती है, उससे कुछ लिमिटेड पोस्ट पर ही एक साथ, लगभग मान के चलिए या तो 7000 से लेकर 9000 पदों के बीच में ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये वैकेंसी हो जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद में सरकार के जो कार्यकाल के समय है वो खत्म होने के आसपास आ रहे हैं, और सरकार कभी भी नहीं चाहे युवाओं को नाराज करना। और राजस्थान के जितने भी युवा है वो सभी इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार की भी मंशा स्पष्ट रूप से हमेशा स्पष्ट दिखाई देती है। राजस्थान पुलिस की घोषणा तो अंतिम समय में कोई भी सरकार हो करती ही करती है। तो जो भी बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाइए, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये वैकेंसी आपको अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर इसके बारे में पूरी की पूरी खुलकर डिटेल आ जाएगी, और कब इसके एग्जाम होंगे ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लाडलो, जय हिंद, जय भारत।